हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ गौर फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं बजट 2018 के बाद अपने नए अपडेट वीडियो लास्ट टाइम भी लाया हूं और अब मैं आज फिर एक नया अपडेट वीडियो बजट 2018 से ही जुड़ा हुआ आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज का मेरा जो फोकस है, बजट 2018 में किसानों को क्या मिला। जी हाँ, क्योंकि ये पूरा बजट किसानों के आसपास घूमा है। इस बजट को हम ये भी कह सकते हैं जय किसान बजट। जी हाँ, हम आपको बताएंगे ये बजट किसानों के लिए फायदेमंद कैसे रहा है। दोस्तों, किसानों को सरकार 2004-05 या हम के आने वाली जितनी भी सरकारें रही हैं 2014 तक देखा जाए तो किसानों के विषय में अभी तक ऐसा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन इस बार इस बजट में मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम आगे बढ़ाया है, जो कि हो सकता है हमारे आने वाली इकोनॉमी को लंबी ग्रोथ दे, अच्छी ग्रोथ दे, जिससे कि देश का विकास और तेज बढ़े। दोस्तों, ये है क्या, किसानों के लिए क्या कदम उठाया है, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने इस बार क्या किया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने सबसे पहले किसानों के इस बजट 2018 में किसानों के लिए जो है कह सकते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जी हाँ, यानी कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 1.5 गुना की वृद्धि की है। यानी किसानों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो लागत के ऊपर जो है 1.5 गुना की सरकार ने बजट 2018 में वृद्धि की है। इससे किसानों को कम से कम नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा ये इसका फायदा है कि अगर किसान अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को नहीं बेच पाता तो फिर उस केस में सरकार उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से आगे जो 1.5 गुना की वृद्धि की है उसके बीच का जो अंतर है उसको खुद वहन करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आया है जिससे किसानों को हो सकता है कुछ राहत मिली हो। दोस्तों, बाकी इसका कितना असर पड़ता है, किसानों को कितना फायदा पहुंचता है, ये आने वाले 6 महीने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सरकार ने इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम बढ़ाया है। और दूसरा, किसानों के लिए 42 मेगा फूड की स्थापना की जा रही है। जी हाँ, यानी कि किसानों के लिए जो एक 42 मेगा फूड पार्क की जो योजना बनाई है सरकार ने, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके उत्पादन के लिए। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सरकार ने यहाँ पे किसानों के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। यानी किसानों को अब अधिक लोन दिया जाएगा ताकि वो अपनी खेती सही तरीके से कर सकें, ज़्यादा कर सकें उसमें मेहनत, और देश का विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो किसानों के लिए सरकार ने इस बार ये सब योजनाएं लाकर बहुत कुछ किसानों को राहत दी है। इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं तो किसानों को जो सबसे एक बड़ा फायदा दिया गया है वो ये कि किसानों को अब जो है जितने भी इनके क्रेडिट कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड हैं उसके दायरे में पशुपालकों और मछुआरों को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, इसके अलावा आलू प्याज से रिलेटेड के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए के ग्रीन फंड योजना भी यहाँ पे इसकी घोषणा की है बजट 2018 में। तो किसानों को कहीं ना कहीं तो सरकार ने अच्छी एक राहत देने की कोशिश की है इस पूरे बजट में। और अब किसान जरूर थोड़ी सी राहत की सांस लेगा। इस बजट में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा, और जो हमारे यहाँ किसान आत्महत्या करते आए हैं शायद उसमें कुछ कमी आएगी और किसानों को जो है उनकी नुकसान का मुआवजा पूरा मिल सकेगा। दोस्तों, इसके अलावा सरकार ने किसानों के अलावा ग्रामीण लोगों के ऊपर भी, जो ग्रामीण हम कह सकते हैं किसान भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं, तो जो ग्रामीण गांव जो हैं हमारे देश में, ज़्यादातर आबादी हमारी गांव में रहती है हमारे भारत जैसे देश की, और इस जगह पर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा भी बढ़ाने की यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जो योजना बनाई है, वो एक प्रभावी कदम उठाया है इस बजट 2018 में, वो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पे सरकार ने गांव में इंटरनेट के लिए कह सकते हैं और वाईफाई सुविधा देने के लिए 5000 और हॉटस्पॉट बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ की राशि आवंटित की है गाँव तक इंटरनेट वाईफाई सुविधा पहुँचाने के लिए। ये एक बहुत सराहनीय कदम है। डिजिटल मेक इन इंडिया के अंदर ये एक बढ़ाया हुआ है, बहुत बड़ा कदम है।
और सरकार ने इस क्षेत्र में जो कदम उठाया है, ये एक तरह ग्रामीण क्षेत्रों में यदि इंटरनेट सुविधा पूरी तरह से पहुंच जाती है तो, क्योंकि आज की सारी जितनी भी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा संचालित, चाहे वो इस बजट में रही हो, लास्ट के 3 साल के बजट में रही हो, ज़्यादातर योजनाएं सारी आज की स्थिति में सरकार के आज की डेट में सब ऑनलाइन है, तो इसलिए इन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग और किसान भाई फायदा उठा सकें, इसके लिए सरकार की ये कोशिश है कि गाँव के, यानी कि हमारे भारत जैसे देश के हर गांव तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जाए। इसके लिए सरकार ने अच्छी खासी 10,000 करोड़ की राशि आवंटित की है ताकि हर गांव में इंटरनेट पहुंच सके और 5,000 से अधिक हॉटस्पॉट स्थापित किए जा सके। ये बजट 2018 का ये सरकार का एक तोहफा था और किसानों और ग्रामीण भाइयों के लिए। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 करोड़ शौचालय की भी व्यवस्था की है, इस बजट में रखा है 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य, जिससे कि सफाई अभियान में भी काफ़ी मदद मिलेगी और गांव के क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादातर शौचालय की बहुत समस्या रहती है। सरकार ने अभी पिछले वर्षों में भी कुछ शौचालय के प्रति अभियान चलाया था और कुछ ऐसी योजना रखी थी, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। ये भी एक ग्रामीण और किसान भाइयों के लिए कह सकते हैं बहुत प्रभावी कदम है। गाँव के क्षेत्र का विकास होगा और सफाई अभियान को भी तेज़ी मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो किसानों के लिए यही था कि इस बजट 2018 में किसानों के हाथ में क्या लगा है, लेकिन मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बजट का परिणाम हमें तुरंत प्राप्त नहीं होता है, हमें कम से कम उस परिणाम के लिए 5 से 6 महीने का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बजट की घोषणाओं का असर हमें कुछ लॉन्ग टाइम के बाद ही पता चलता है। अगर हम आज सोचें कि आज बजट 2018 में ऐसी घोषणाएँ हो गई हैं और मुझे उसका फ़ायदा कल ही मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कम से कम उसके लिए आपको 5 से 6 महीना या 1 साल तक का कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये घोषणाएं सरकार ने जरूर किसानों के हित में उठाई हैं और हम सभी की ओर से सरकार को इस कदम के लिए बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को इसे व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक पर भी ज़रूर फॉरवर्ड करते रहिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाना ताकि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव को भी हमारे अपडेट वीडियो आने वाले मिलते रहें। बजट 2018 से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा, आप उनको भी जरूर देखते रहिएगा। और सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।